हाल ही में आतंकवादियों ने ये जो मंदिरों और मस्जिदों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया है, इसका उद्देश्य सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ाना है, ताकि सरकार को देश की उन्नति के बारे में सोचने का कोई अवसर ही न मिले। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो आतंकवादी संगठन इन गतिविधियों में सबसे आगे है, उसका नाम है अल ताहिर, और उस आतंकवादी संगठन का लीडर है बाबा जहीर। इसके लिए इंटरपोल रेड अलर्ट दे चुकी है और यह रिपोर्ट मेरे मंत्रालय ने आपको भेज दी है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बारे में हमारी सुरक्षा समिति क्या कर रही है। सर, सेना को यह रिपोर्ट मिल चुकी है सर, और हमने ये भी मालूम कर लिया है कि वो किस एरिया में। हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक वो लोग इस वक्त कुपवाड़ा में। और हम अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं सर। ब्रिगेडियर मलिक, मैं नहीं चाहता पार्लियामेंट पर हमला, अक्षरधाम या जे एंड के असेंबली में घुसने जैसी घटना फिर से घटे। इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। मैं समझता हूं सर, इसलिए जहीर को पकड़ने के लिए अपनी बेस्ट पैरा बटालियन भेजिए सर। इस ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है? कर्नल रणवीर सिंह रनावत। कोई इंफॉर्मेशन मिली पूरी? नहीं सर, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। But we are trying, sir. You're not trying hard enough. I want results. Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। टाइगर कॉलिंग सकीना। कमिंग टाइगर सकीना हियर। कमिंग टाइगर सकीना हियर। हमें सारी खबरें मिल चुकी हैं। आपका काम काबिले तारीफ है, लेकिन दुश्मन आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने इलाके में वापस आ जाएं। ठीक है, आज रात हम सरहद पार करेंगे, आप इंतजाम कर दीजिए। आपका इस्तकबाल करने वाले तैयार हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, दुश्मन का पता चल गया है, उनकी ग्रीड रेफरेंस है 304259 जो कोड में आई है। Intercept done by Signals Intelligence Unit. Pass this immediately to Brigade Headquarters for immediate action. तैयारी करो, अंधेरा होते ही हम यहां से रवाना होंगे।
Tahir Khan, the dreaded terrorist of the Pakistani outfit Al Tahir, has been arrested in the Kupwara sector of the Jammu Valley. अपनी मौत को जिंदा रख के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है ज़हीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। मूव। वालेकुम अस्सलाम। आइए। सलाम। सलाम। क्या हुक्म है हमारे लिए? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन लोगों का हिंदुस्तान जाने का वक्त आ गया है। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके। इनकी मदद के लिए मेजर गुलशेर भी साथ जाएंगे। जी। हिंदुस्तान में अपने मददगारों को पहचान लीजिए। ये है फरीद, कार गैरेज का मालिक। इसका काम है आप लोगों को हथियार मुहैया कराना। ये संथानम, पेशे से प्रोफेसर है। ये आपको हर वो चीज दिला सकता है जिसकी आपको जरूरत होगी। और ये है हमारा सबसे अहम आदमी। ये आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करेगा और ना ही आप लोग इनसे मिल पाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज का बहुत बड़ा ऑफिसर है। लेकिन हाँ, खुदा ना खास्ता हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये आदमी हर मुमकिन आप लोगों की मदद करेगा। इस फाइल में सभी डिटेल्स हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तान में आपको क्या करना है ये तो आप लोगों को मालूम है। उस दिन सारा भारत घुटने टेक देगा। तारीख याद है? जी हाँ, 18 जून। 18 जून इंशाअल्लाह हमारा मिशन कामयाब होगा। इंशाल्लाह।
कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा भी तो मैं कह दूंगी कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। Now give me a hug. Behave. कैसे आदमी हो? मंगेतर चार दिन बाद वापस आई है, फ्लाइट में भागते भागते मुस्कुराते मुस्कुराते थक चुकी है, और तुम हो कि अरे मूड खराब है। सुबह सुबह मूड खराब होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, तुम्हारा वो सपना है ना? बोलो जय, जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है। तुम उसके बारे में जितना और सोचोगे और परेशान होगे। इट वॉज योर पास्ट जय, तुम्हारा अतीत। अतीत हमारे बस में नहीं होता है, ना ही भविष्य हमारे कब्जे में होता है, तो उसके बारे में सोच के क्या फायदा? सिर्फ एक चीज पर हमारा कंट्रोल होता है, वो है आज ये पल जो हमारा है। और जानते हो ये हमारा क्यों है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम मुझसे। भूल जाओ जय, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे प्लीज भूल जाओ मेरी खातिर। करीम भाई नंबर प्लेट वाइट कर दिए ले, बस तुम पतरा चेंज करो, मैं आता है। क्या सेठ, कब आएगा तुम्हारा एसीबी साहब? तेरे को बहुत घाई है क्या? नहीं, बुरा वक्त जितना देर से आए उतना अच्छा है। वो साहब ही साहब सर। मॉर्निंग सर। अरे देखो साहब आ गए। साहब तो अपना आदमी है, मैं बोला इन लोग को क्या रे, लेकिन चाय भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं साहब, लेट हो गया। क्या हुआ? पता करता हूँ सर। बैठो। साहब मेरे को क्यों बोला साहब? इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन बोले तो 16 नवंबर पीकॉक बार के मालिक दासप्पा के मर्डर में जो गाड़ी यूज की गई थी वो तुमसे खरीदी गई थी। अरे साहब हम लोग महीने में 10-12 गाड़ी। 10 जनवरी माटुंगा में एक ज्वेलर को लूटा गया था। लुटेरे जिस गाड़ी में थे वो तुम्हारे गैराज की थी। वो कोइंसिडेंस साहब, कोइंसिडेंस। 4 दिन पहले पुलिस इनकाउंटर में मशहूर गैंगस्टर शरद मारा गया, वो जिस गाड़ी में था वो भी तुम्हारे यहां से थी। अरे साहब हम लोग जो है साहब माल लेता है, ग्राहक को गाड़ी देता है सर, उसके बाद क्या मालूम साहब कौन ग्राहक है साहब और कौन क्या करता है, यू नो साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ फरीद, ये सारे 2 नंबर के लोग सिर्फ तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं? अब साहब किसी के थोबड़े पे थोड़ी लिखा होता है 1 नंबर या 2 नंबर, समझ रहे ना साहब? सर सुबह आया है। बुलाओ। सुबह। नमस्ते साहब। 2 दिन से बुला रहा हूँ, कहाँ थे तुम? वो क्या है धंधा है ना साहब अपना, फुर्सत ही नहीं मिलता। कहाँ थे? क्या कर करता है, करता है बात में करता है। ले जाओ इसे। चल रहे। फरीद। जी साहब। हालात बहुत ही खराब है। जी साहब। एक बार आदमी पोटा में फंस गया। जी साहब। निकलना मुश्किल है। जी साहब। होशियार रहना, अगर कोई खबर मिले नंबर है ना। जी साहब। जी साहब। हैं? जाओ। जी 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 साहब। सर ये फरीद कुछ लंबे चक्कर में है, नजर रखो इस पे। A420 is equal to 5T square. So the ball takes around 2 seconds. Sir ji. Yes. आप ही गाड़ी ले आओ। तुम चलो मैं आता हूं। सर जी ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हें यहां आना पड़ गया?
पुलिस को शक हो गया है। एसीपी ने बुला के खाट खड़ी कर दी मेरी। पोटा में अंदर किया तो जवानी में दिमक लग जाएगी। अपने को माफ करो, अभी आम का धंधा बहुत जोखिम वाला हो गया है। रिलैक्स फरीद, वैसे भी अभी आम की सप्लाई का काम खत्म होने वाला है। अब हमें एक और बड़ा काम करना है। क्या काम? पहले ये बताओ कि वो दो आदमी जिनको तुमने हायर करने की बात की थी, उनका क्या हुआ? वो तो बहुत मुंह खोल रहे हैं। कितना? 20 लाख। हाँ कर दो। 20 लाख? सोचो कितना बड़ा काम है। जब उनको 20 मिलेगा तो तुम्हें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कब मिलेगा? एडवांस दिला दो। मिशन पूरा होने के बाद। मिशन कब शुरू होगा? बहुत जल्द। साहब जी, चाय। हेलो डेल्टा वन मैसेज, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। एम्बुश है, हमारी जगह DDXMMA बहुत घायल हो चुके हैं। हमारे लिए री इन्फोर्समेंट भेज दीजिए। तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है, जरूरत पड़ने पर किसे कांटेक्ट करना है, ये सब तुम्हें मालूम है। जी जनाब। यहां से मेरा काम खत्म, तुम्हारा शुरू। अल्लाह हाफिज। 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 रेडियो ऑपरेटर जिंदा है सर। वो पाछते सर, एक वापस लौट गया और चार इधर आ गए सर। उनके चेहरे देखे थे? ये मैं उन्हें पहचान सकता हूं। Yes? आपने जिन चार किताबों का ऑर्डर किया था वो लाइब्रेरी से निकल चुकी हैं। बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हैं। डिलीवरी मिलते ही खबर कर देना। ठीक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक भाभी, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी। अरे हम तो यही कह रहे थे कि अभी तक ईद क्यों नहीं आई। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे बेगम देखिए तो सही कौन आया है। किचन से बाहर आइए, समधी आए हैं, आइए तो। ईद मुबारक हो भाई साहब। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आओ शर्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। ईद मुबारक आंटी। तुम्हें भी बेटी। आप लोग बैठिए, मैं शीर खुरमा लेके आती हूं। आंटी मैं ले आती हूं। ठीक है आइए।
अरे बशीर भाई जी, हमारे जमाई राजा कहाँ है? अरे भाभी, जय निहायती नालायक लड़का है, नंदिनी के बिल्कुल लायक नहीं। वो आपको दूसरा लड़का क्यों नहीं चुन लेती? ये आप बोल रहे हैं? आप जिसने जय को बचपन से लेके अभी तक अपनी औलाद की तरह पाला है। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी, आप तो जानते हैं ना कि जय के फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। नंदिनी, तुम कोई और लड़का क्यों नहीं चुन लेती? आप ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना? अरे भाई, तुम खुद सोचो, ईद का दिन है आज, सब लोग आ चुके हैं, और साहबजादे, साहबजादे का पता ही नहीं। देखना, ये जय ही होगा, बड़ी लंबी उम्र है उसकी। ईद मुबारक। आज ये सब नहीं चलने वाला, चलिए कान पकड़िए अपने, वरना शीरकुरमा नहीं देंगे आपको। पहले मेरी बात तो सुनिए। बहाना बिल्कुल नया होना चाहिए। सुना तुमने, चलिए आइए अंदर। ईद मुबारक भाईजान। आ गए बरखुरदार, ईद मुबारक। ईद मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो। That's my boy. खुश रहो। बशीर भाई, एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, इन दोनों की मंगनी को एक साल हो गया है, क्यों ना इन दोनों को बंधन में बांध दिया जाए। भाई मैं तो न जाने कब से तैयार हूँ। भाई मैंने तो दुल्हन के जोड़े भी तैयार करवा लिए। तो फिर पांचून कैसी रहेगी? पांचून कुछ जल्दी तो नहीं है। लेकिन बेटा, पंडित जी का कहना है कि 3 महीने तक फिर कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। भाभी मुझे तो मंजूर है। जय, तू क्या बोलता है? जब आपने हाँ कह दिया, तुम्हें कौन होता हूँ बोलने वाला। जीते रहो बेटे, आज शर्मा करे ना जाओ। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो कदम। फरीद का फोन टैप करना काम आ गया सर। क्यों, क्या खबर है? किसी ने उसे खबर दी है कि उसका माल मुंबई आ रहा है। किसने खबर दी? जी कॉल तो ट्रेस नहीं कर पाए सर। कहाँ रहा माल? जी भांडुप में। कब? आज। मैं आ रहा हूँ। नमस्कार साहब। कहाँ है? बाजू की पुरानी मिल में है। कितने लोग? 10-12 होंगे। मटेरियल संभाल के रखने का। ए तोतले, बर्थडे पार्टी में नहीं आया क्या बे? तोली सर। सॉरी, मेरे को नहीं बोलने का, प्रोफेसर को बोलने का। दर्दन तार देता दर्दन। अरे भागो रे, पुलिस आ रही है। Come on.
Sir, all these weapons belong to the Indian Army. What? Yes, sir. Ye dekhiye. OFK, Ordnance Factory. Kamriya. Aur ye serial number. Isse ye pata lagaya ja sakta hai ki ye kaun se army camp mein bheje gaye the aur kahan se churaye gaye. इन हथियारों की एक रिपोर्ट बनवाकर स्टेट होम मिनिस्ट्री को भेज दो और डिफेंस को भी। सर। और इस फरीद का क्या हुआ? सर वो हमारे हाथ से निकल गया। उसका अरेस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर वो आदमी है जिसने ये हथियार फरीद के यहाँ छुपाए थे। तुम जानते हो हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? जी मैं जानता हूँ हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? फरीद। डिस्पोज हिम ऑफ। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों आदमी जो हमारे मिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो दोनों ही फरीद के कॉन्टैक्ट्स हैं। ओके, लेट द इडियट गो। ओके सर। बस, मैंने पहले ही बोला था मेरे को इस गेम में मत रखो। क्या फायदा हुआ तुम लोगों के साथ? अरे मेरा गैरेज जब्त करा दिया। रिलैक्स फरीद। वो पुलिस वाला गोली मारता है, वो रक्षांडू इंस्पेक्टर गोली मारता है। रिलैक्स फरीद, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वांटेड बना दिया, माँ की आंख हो गई मेरी। कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब तक तुम्हारे हांगकांग जाने का अरेंजमेंट नहीं हो जाता तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया। और हाँ, सदा और तांबे के कॉन्टेक्ट में रहना। उनको कब और कहाँ लेके आना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इन चारों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये लोग अल-ताहिर ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिनका लीडर बाबा जहीर है। मैं तो समझा था कि जहीर के पकड़े जाने के बाद ये ग्रुप टूट गया होगा। मैं भी यही समझता था सर, लेकिन 6 महीने बाद इन लोगों के एक्टिव हो जाने से लगता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। We have to find them as soon as possible. ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेज दो ताकि मिनिस्ट्री सारे देश की पुलिस को अलर्ट कर दे। 100 करोड़ की आबादी का देश, इन्हें ढूंढना सूखी घास में सुई ढूंढने के बराबर है। नहीं, रिलैक्स। क्या बात है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? हम 4 दिन से एक ही जगह पर हैं। तो आप जानते नहीं क्या, सरकारी कुत्ते हमारी बू सूंघ रहे हैं। अगर हम इसी तरह एक जगह पर बैठे रहे तो बचेंगे क्या? अको, हर दूसरे तीसरे दिन हमारी लोकेशन चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी तैयारी हो गई क्या? जी, आने वाली 18 तारीख को सुबह 7 बजे आप लोग वहां पर होंगे जहां पर आप लोगों को होना चाहिए। क्या बात, आज भी जय तुम्हें एज यूजुअल लेने नहीं आया? एक मिनट। हेलो, कहाँ हो तुम? बस निकल ही रहा हूँ। बाहर आ गई हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बस अभी आ रहा हूँ, गाड़ी के पास हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ। सर एक मिनट। सर वो कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। हेलो, क्या हुआ? कमिश्नर, यू एंड योर कमिश्नर कैन गो टू हेल। हमेशा तुम ऐसा करते हो। डोंट गेट एंग्री बेटे, उसके और हमारे काम में बहुत फर्क है भाई। हमारे काम में टाइमिंग है, प्लानिंग है, और उसके काम में उसे कभी भी किसी भी वक्त बुलावा सकता है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कम 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 कम। जय। यस सर। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई रिपोर्ट आई है, लगता कोई आतंकवादियों का मामला है। तुम उसे देख लो और मुझे भी बता देना, मैं चलता हूँ, मुझे फैमिली को लेने एयरपोर्ट जाना है। Thank you.
आओ बैठो, कॉफी पियोगी? शायद तुम नोटिस नहीं कर रहे हो कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही। नोटिस तो किया, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि कमिश्नर साहब ने मुझे कुछ जरूरी काम से बुला लिया। ओके बाबा, आई एम सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, मेरा मूड बहुत खराब है। ठीक है, तो आप ही बताइए एयर होस्टेस साहिबा, आपके लिए क्या किया जाए? मनाओ मुझे। मनाओ? कैसे? तुम पिक्चर विक्चर नहीं देखते क्या? लड़की जब नाराज हो जाती है तो लड़का कैसे मनाता है? हाँ। फूल देता है। इसमें फूल नहीं है। ओके। कान पकड़कर किस करता है? तो फिर क्या करता है? गाना गाता है। गाना? नंदिनी, कम से कम पड़ोसियों की नींद का तो ख्याल करो। ये तुम्हारी सजा है, अब गाना गाओ। इन मिसिंग गन्स की रिपोर्ट तैयार कर लो। यस, ओके। रिपोर्ट्स बिल्कुल करेक्ट है, ये सारी नंबरों की गन्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। हवलदार मेजर रविंदर सिंह, आप डेपो के इंचार्ज हैं। साहब, पूरी इसकी बेल्ट उतारो। सर, ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नए हथियार हैं, जिनका भी इंस्पेक्शन चल ही रहा था। इनका चार्ज हवलदार मेजर सुंदरलाल ने मुझे 10 दिन पहले ही दिया था। सुंदरलाल कहाँ है? सर, वो अभी बॉर्डर पोस्ट पर है। सुंदरलाल को बुलाओ, जब तक सुंदरलाल वापस नहीं आ जाता कोई बेस कैंप छोड़कर नहीं जाएगा। पुरी, तलाशी शुरू करो। आपने फरीद की जो रिपोर्ट भेजी है वो तारीफ के काबिल नहीं है। मुझे मालूम है सर, आई एम सॉरी। आप जानते हैं इस एक आदमी की वजह से हमारा सारा मिशन फेल हो सकता है। मुझे इस गलती पर अफसोस है सर। इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा ही होगा। मछली पकड़ रहा है, एक भी मछली फंसती नहीं है। अरे यार, लगेंगी, टाइम लगता है उसको, थोड़ा मछली है ना वो। प्रोफेसर साहब, दो दो 20 लाख कमिंग। अरे रहीम, क्या बोट है यार ये। असलम, मेरे को भी दिखा। देखेगा? हाँ दिखा। अरे इससे तो एकदम नजदीक दिखता है रे। कम क्लोज, आओ आओ आओ, ध्यान से आना। अरे कहाँ विद्यालय खोल दिया आपने प्रोफेसर साहब? आओ आओ। ये सदानंद तांबे, फरीद ने तुम लोगों को बता दिया होगा कि क्या करना है। जी, ये 10-10 है, 10-10 काम होने के बाद। और हाँ, ये वो सामान है जो तुम लोगों को वहां पहुंचाना है। नो प्रॉब्लम। ओके, तो चले सर। फरीद, तुम यहीं रुको। ठीक है, रुक जाता हूं, मेरा तो कोई काम ही नहीं, आप लोग चलिए। ठीक है फरीद, मुझे तुमको कुछ लोगों से मिलवाना है। फरीद, ये भी हमारे साथ ही हैं। हाय, सलाम 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 सलाम। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो फरीद। दोस्त, तभी तो अपना नाम फरीद है, जिस काम में भी हाथ डालना समझो।
या अल्लाह। सर वो बच्चा है जिसने मर्डर देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? रहीम। इसमें इसका कोई लेना देना नहीं साहब, इसको इस केस में मत फंसाओ साहब, वरना भूखे मर जाएंगे। घबराओ मत साहब, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे एक चाय का बाकड़ा है डोंगरी पे, ये छोकरा तो चाय बिस्कुट दुकानों मकानों में पहुंचाता है। मैंने बोला ना घबराओ मत। रहीम ये बताओ, जिसने मर्डर किया है क्या तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ अगर सामने आएगा तो जरूर पहचान लेगा। क्या वो यही लोग थे? हाँ अंकल, यही तो थे वो चार लोग। शो? हाँ अंकल पक्का यही थे वो, पर इन चारों के अलावा एक और आदमी भी था। एक और आदमी? तुम लोग आओ अंदर आओ। यहाँ क्यों आए हो? क्या प्रॉब्लम है? प्रोफेसर ये पेपर देखा है आपने? आपको पता है फरीद का मर्डर हो गया है। वो ज्यादा होशियारी करने लगा था, इसलिए उसे उड़ाना पड़ा। तो क्या आपने? मैं अकेला नहीं हूं, और भी बहुत है मेरे ऊपर। खैर ये बताओ कि तुम लोग रेडी तो हो ना? जी जी सब तैयारियां हो चुकी है। गुड, तारीख तो याद है ना? 18 जून। सर क्वार्टर गार्ड हवलदार सूरी और सुंदरलाल के बारे में रिपोर्ट आ गई है। सर सुंदरलाल तो क्लीन है, मगर सर सूरी ने गांव में जमीन खरीदी है, एक नया घर भी बनवाया है और बैंक में 4 लाख रुपए से ज्यादा जमा है उसके। पूरी एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर। सिगरेट पीता था? सर सिगरेट शराब कुछ नहीं पीता था। कम इन। एनी क्लूज? नहीं सर, खूनी ने कोई सुराग नहीं छोड़ा कॉफी के कप के सिवा। आई एम श्योर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा मतलब? सर मुझे शक है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई लीक है। और उस लीक का पता वो 4 टेररिस्ट ही बता सकते हैं जो इस वक्त मुंबई में हैं।
मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक एक आई विटनेस है जिसने मर्डर होते हुए देखा है, और मरने वाला वही था जिससे हमारे एम्युनिशन बरामद किए गए। डिफेंस मिनिस्टर ने यह केस हमारे हेडक्वार्टर्स को दिया है। आई एम सेंडिंग यू एंड मेजर पुरी टू मुंबई। मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का पूरा कोऑपरेशन तुम्हें मिलेगा। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। सर सर, आर्मी की इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई आ रही है, मेहमानों का ख्याल रखना, और हाँ, उन लोगों की जगह बदल दो। ओके। तो वो चारों शहर में, उनकी वजह से मेरे 21 जवान मारे गए। आर्म्स डील के केस में कोई अरेस्ट हुआ? एक लीड थी फरीद, लेकिन उसे उसी के आदमी ने मार डाला। इंक्वायरी किसके हाथ में? एसीपी जय, ही ऑन हिज वे। अब उसके साथ काम करना है तो मिलना तो पड़ेगा ही। जयदीप राय, कर्नल रणवीर सिंह राणावत। कर्नल, आपको मालूम है जय पहले मिलिट्री में था? आर्मी छोड़ने की वजह ऑफिसर? यही वो गांव है। जैसे ही दुश्मन का पता चलता है, आप कोडवर्ड जानवर बोलकर पूरी खबर रेडियो पर पास करें। सर। और आप कॉटन और सर्च जारी रखें। बी केयरफुल। यस सर। मैं दूसरी तरफ से कॉटन करता हूं। जानवरों का पता चल गया है, वो गांव के स्कूल में छुपे हुए हैं। ओवर। हेलो डेल्टा, आप कॉटन करें, आउट। जय, मैं 7 जवानों के साथ स्कूल पे अटैक कर रहा हूं, आप मुझे कवरिंग फायर दो। सर। हमला कर दिया है।
आज कितने जवान मरे? नो सर। आई कांट हियर यू कैप्टन। नो सर। किसकी वजह से? किसकी वजह से? मेरी वजह से। अपनी जान बचाने के लिए तुमने उन्हें मरने दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान उनकी जानों से ज्यादा कीमती है। मेरा पैर ट्रिप वायर पे था। आई नो दैट, डैम इट। और अगर तुम पैर हटाते तो क्या हो जाता? मर जाते। अगर एक मौत से नौ जाने बचती है तो बचानी चाहिए। यही आर्मी का असूल है। ये खेल का मैदान नहीं, दिस इज अ ब्लडी बैटल फील्ड कैप्टन। यहां फैसला जान लेकर किया जाता है या जान देकर, और तुम दोनों में से एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल रिपोर्ट करूं, आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कैप्टन? यस सर। और अगर जिंदगी में कभी हो सके तो दुनिया को नहीं, अपने आप को जरूर साबित करने की कोशिश करना कि तुम कायर नहीं हो। आज भी उसकी आंखें मुझ पे हंसती हैं, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि मैं कायर हूं। मैं कायर नहीं हूं। हर रोज मैं दुनिया को नहीं, खुद को साबित करने की कोशिश करता हूं कि मैं कायर नहीं हूं। नहीं हूं मैं कायर। मैं कायर नहीं हूं नंदिनी। मैं कायर नहीं हूं। रहीम, ये चाय है ना, छह नंबर में दिया। और बेटा जल्दी आ जाना। अब्बू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अयान, क्या हमेशा खाते रहता है? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। और बहुत जल्द हमारी मंजिल हमारे करीब होगी इंशाअल्लाह। वो हरामखोर संथानम अभी तक नहीं आया। होशियारी से। मैं ग्लास बाद में लेके जाऊंगा। ठीक है। साहब, वो सामने वाले मकान इन्हें ले
जाओ।
इसके साथ उन तीनों को भी उड़ा देते तो अच्छा होता। इनकी वजह से हमारे 21 जवान शहीद हो गए। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। इसमें नई बात क्या है? हाँ नंदनी। क्या कर रहे हो? कब से फोन कर रही हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? थोड़ा बिजी था, बोलो। अच्छा देखो मैं फ्लाइट में हूँ, काठमांडू पहुँच के फोन करूंगी। एक मिनट सदानंद, 9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 10 मिनट में सारे पैसेंजर्स अंदर आने वाले। बाथरूम का फ्लश चोक हो गया था मैडम। अब ठीक हो गया ना? नाउ गो। सॉरी ग्राउंड स्टाफ इतना परेशान करते हैं ना। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खा लेना। तुम फिक्र मत करो। एक और बात नंदनी, मैं काम पे हूँ। क्या हुआ? आई लव यू, आई मिस यू ऑन द ट्रिप। हाँ सर, सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है, अब वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। अगर वो नाकाबंदी के पहले निकल गए होंगे तो पता नहीं कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। Your kind attention, please. The seatbelt sign has been switched off. Passengers are requested to keep their seats upright and open their seat tables for the breakfast service. This is for your convenience. Dhanyavaad. Thank you. कॉकपिट का दरवाजा खुलवा। ये आप लोग खोलने का बोल बोल। कैप्टन। Yes? Captain, please open the door. Nandini, सब ठीक तो है? Cockpit का दरवाजा खोल, नहीं तो नाम क्या है आपका? आर के शर्मा। कैप्टन साहब, शर्मा जी मेरे गन पॉइंट पर है। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक लड़की है। कैप्टन साहब, शर्मा जी बाल बच्चे वाले हैं। कैप्टन साहब, क्या आप चाहेंगे कि इनकी मौत आपकी वजह से हो? Sir, please open the door. Sir, please. Captain साहब को शायद तुम्हारे घर वालों से कोई हमदर्दी नहीं। ATC, ATC मुंबई, खोल दो। Captain, it's hijack.
सेवन का अपहरण हो गया है। हमें खबर नहीं है कि अपहरणकर्ता विमान कहाँ ले जा रहे हैं। जब तुम हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर नहीं सकते हो तो तुम्हें एयरलाइन चलाने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सारा एयरपोर्ट चला दूंगा। देखिए सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। प्लीज पीछे हटिए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे जब हम कह रहे हैं शांत हो जाए तो शांत हो जाइए ना। शांत हो जाइए, शांत हुआ। देखिए चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बात सुनो, जो प्लेन हाईजैक हुआ है वो हमारे शहर से उड़ा था, तो जाहिर है उसमें हमारे शहर के लोग ज्यादा होंगे। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस प्लेन को वापस लाएं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें जिन्होंने ये हाईजैक जैसी घिनौनी हरकत की है। हम पर भरोसा कीजिए, एक एक पैसेंजर को हम जिंदा वापस ले आएंगे। इस गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, और जब वापस लौटेंगे तो आपके सारे सगे संबंधी आपके पास होंगे। हम वचन देते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलो चलो। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग प्लेन हाईजैक करके कहां ले गए हैं, क्या आपको पता है? हमें भी कहां पता है। टेक द फ्लाइट टू पीओके। नो आई वोंट, जब तक मैं इंचार्ज हूं ये फ्लाइट पीओके नहीं जाएगी। दत्ता, अब तो जाएगी कैप्टन। उठो, चलो चलिए पीछे, चलिए सब लोग पीछे चलिए। उठिए रुको बेटा, वहां मत जाओ। क्या है? वो मेरी डॉल। क्या नाम है तुम्हारा? रमिता। और तुम्हारी गुड़िया का? जोजो। तुम्हें बताऊं, मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे जितनी, सलीमा नाम है उसका। लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। अब ताने पे मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। जाओ यहां से। यही है बतीनू। नाम? तांबे। काम? जी, प्लेन में जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग करना। आपके स्टाफ में से आखिर में फ्लाइट से कौन उतरता है? जी, केटरिंग स्टाफ और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस स्टाफ। वो कौन करता है? नाम? जी सदानंद, डी सदानंद। काम? प्लेन के आने से लेकर प्लेन के जाने तक सब कुछ। डिटेल में बताइए काम। प्लेन के टायर्स, उनके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की स्पेशल कंप्लेंट को रेक्टिफाई करना। देखो, हमें यह तो मालूम है कि हाईजैक करने वाले अपने साथ हथियार नहीं ले गए थे, लेकिन अब उनके पास हथियार हैं। इसका मतलब यह है कि हथियार पहले से ही प्लेन में छिपाए गए थे, और यह काम वही कर सकता है जिसे आते जाते कोई चेक ना करे। यस सर।
आपको किसी पे शक है? नो सर, ये सभी तो पुराने लोग हैं। फ्लाइट कितने बजे टेक ऑफ लेती है? जी 9:15 बजे सर। और ग्राउंड स्टाफ कितने बजे बाहर जाता है? 8 या ज्यादा से ज्यादा 8:15। क्या नाम बताया था जी? वो नाम सदानंद। आराम से बातें कर रहे हैं और बाहर मेरी इज्जत की बात लगी हुई है। जनता मुझसे सवाल पूछेगी, हमारी पार्टी से पूछेगी, हम सत्ता में हैं, आपसे पूछने कोई नहीं आने वाला। जाइए पता कीजिए कौन कमीना हमारी पार्टी को गिराने और हमारी पार्टी को बदनाम करने में लगा हुआ है। हाइजैकर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया सर। ये वही आतंकवादी है जिनका एक साथी आज सुबह मारा गया। बाकी के तीनों को क्यों नहीं मारा? वो सर बहाने मत बनाइए, जनता को शांत रखना है तो किसी को भी पकड़िए, पकड़िए किसी को भी, जल्दी लौकर पकड़ा कोनालदरी। 3 महीने बाद इलेक्शन है, याद रखिए अगर हम हार गए ना तो जिम्मेदार आप होंगे। पता कीजिए फ्लाइट में कितनी देर है, हमें दिल्ली पहुंचना है। सर फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है। ठीक है तब तक हम विश्राम करेंगे। VIP लाउंज कहाँ है? आइए सर। चलिए। ये आदमी पागल है क्या? हमारे देश का लीडर है। सर अभी अभी खबर मिली है कि वो लोग प्लेन को पियो के ले गए हैं सर। चलिए बाजी तुसी इत्थे बैठ जाओ। आओ बैठिए प्लीज। कोई गल नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, हम कामयाब रहे। असल काम तो अब शुरू होगा जनाब। मगर ये आर्मी पोजीशन क्यों ले रही है?
तुम लोगों की हिफाजत के लिए भारत चुप बैठने वाला नहीं। काठमांडू जा रही थी, अपहरणकर्ता उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ले गए, जहां उसे कागन पर उतारा गया है। कागन का ये एयरपोर्ट फौज के लिए 1971 की जंग में बनाया गया था, मगर फिर किसी वजह से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। विमान के अपहरण की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल ताहिर ने कबूल कर ली है। ये अल ताहिर ग्रुप वही है जिसके लीडर जहीर खान उर्फ बाबा जहीर को कुपवारा में कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया। सर, ये पैसेंजर की लिस्ट है और इसमें उन्हीं पैसेंजर के फोन नंबर और एड्रेस लिखे हुए हैं। ये अल ताहिर ग्रुप आखिर चाहता क्या है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। हमें इस बारे में और कोई पुख्ता जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम आपको इसके बारे में करते रहेंगे। नौ बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाम सदनम, डी सदनम। तुम प्लेन से कब उतरे? जी 8 बजे। तुम 9 बजे उतरे? नहीं साहब। तब तुम नंदनी से बात कर रहे थे? साहब मैं अपने टाइम से उतरा था साहब। मेरा कोई दोष नहीं, मुझे तो तांबे ने बोला था। हथियार किसने रखे थे? मैंने। अब बताओ, तांबे कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, पता नहीं। सर, आर्मी में इतना टाइम नहीं लगता। यस सर, आर्मी में हर बात का फैसला बहुत जल्दी हो जाता है। मे आई? जैसे जैसे खून बहने लगेगा वैसे वैसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा और दिल की धड़कन रुकने लगेगी। इस खून को रोकने का एक ही तरीका है कि तुम अपनी जुबान खोल दो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना मैं, ना वो लोग जिनके लिए तुम काम करते हो, और ना ही ऊपर वाला। बता दो। प्रोफेसर संतानु ने हम दोनों को हायर किया था साहब। हमारा मुतालबा है कि हमारे लीडर बाबा जहीर को फौरन रिहा किया जाए और उन्हें हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया जाए। इस काम के लिए हम 48 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर इस मुद्दत तक बाबा जहीर हम तक नहीं पहुंचे तो हम हर एक घंटे पर एक एक मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे और इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी
भारतीय हुकूमत की होगी, और अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई या बाबा साहिर को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम प्लेन के साथ तमाम मुसाफिरों को बम से उड़ा देंगे। सर, विमान में कुल 96 यात्री हैं और 11 एयरलाइंस के कर्मचारी हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, फिर भी ये लोग हथियार प्लेन में कैसे पहुंचा देते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी की लापरवाही के सिवा कोई वजह नहीं हो सकती सर। मैं उन तमाम लोगों से मिलना चाहूंगा जिनका संबंध इस बाबा जहीर केस से है। आप फौरन मीटिंग बुलाइए। यस सर। क्या निकाल लीजिए, लीजिए। ए, बात। ए कैप्टन, चल। अरे देख नहीं रहे हो, इसकी तबीयत खराब है, दवा ले रहा है। इसे मैं देखता हूँ, तो चल अपनी जगह पे। मुझे चल, प्रॉब्लम है। चल, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है। चल, मुझे बाहर निकालो कैप्टन, कैप्टन मुझे बाहर निकालो। बच। और कितने दिन जिएगा? हो गई है कैप्टन। कैप्टन। उंगलियों के निशान नहीं। लगता है हमारे यहां आने की खबर पहले से थी किसी को। हेलो कर्नल सर, बाबा जहर और तीन हाईजैकर्स के इस केस से संबंधित सभी लोगों को डिफेंस मिनिस्टर ने हेडक्वार्टर्स में बुलाया है सर। और हां, वो एंटी टेरर स्क्वाड के एसीपी को भी साथ ले आना जो इस केस का इंचार्ज है। राइट सर, हम दिल्ली जा रहे हैं। मुझे भूख लगी है। रुको बेटा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। उठ, चल उठ। पानी पिएगा? पानी चाहिए, पानी चाहिए। ये ले, ये ले। और पीछे, कोई पीछे नहीं आएगा। ये देखो, और पीछे देखो। देखते नहीं ये पिटली देखा। अच्छा को मार दे। जनाब, मुझे और हुकूमत पाकिस्तान को बेहद अफसोस है कि आपका प्लेन हाईजैक करके हमारे इलाके में उतारा गया है, और सुना है शायद दो लोग भी मारे गए हैं। आपको इसी सिलसिले में तकलीफ दी है। मेरी गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपकी सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है। अल्लाह गवाह है जनाब, हम आपकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों पर हमला करके हमारे 107 यात्रियों और कर्मचारियों को आजाद करा सकती है?
हम बिल्कुल तैयार हैं जनाब, बल्कि हमारी फौज ने तो उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है जहां आपका वो प्लेन उतारा गया था। हमारी फौज कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन उसमें एक खतरा है जनाब। खतरा? कैसा खतरा? यही कि अगर मुजाहिदीन ने मेरा मतलब है कि उन लोगों ने जिन लोगों ने आपके प्लेन पर कब्जा किया है, प्लेन को बम से उड़ा दिया तो, या फिर हमारी फौज की फायरिंग में आपके लोग कुछ हलाक हो गए, तो आप इल्जाम तो हम ही को देंगे ना? इसका मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। जनाब मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। यही तो समस्या है, आप जो कहते हैं करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं जनाब, लेकिन पाकिस्तानी फौज एक्शन नहीं ले सकती। आप कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगे, तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरी राय में तो इस समस्या का एक ही हल है, आप बाबा जहीर को छोड़ दें। एक जिंदगी के लिए 107 लोगों की जान खतरे में डालना मुनासिब नहीं है, ये मेरी जाती राय है जनाब। आप हमें इस बात की आज्ञा देंगे कि हमारा एक डेलीगेशन आतंकवादियों से बात करने के लिए पाकिस्तान जा सके? डेलीगेशन भेजो ना जनाब, जरूर भेजो, सिर मत्थे थे, लेकिन 3-4 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए और किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। सर, ये सब जहीर को छुड़ाने की साजिश है और ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर, अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सकें कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। कर्नल, अपने सुपीरियर्स के सामने इस तरह बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम बाहर जाओ। सॉरी सर। ठहरो, तुम ठीक कहते हो कर्नल, बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन हम उनके शहरों पर बमबारी करके बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते, बल्कि नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है। और पिछले 56 साल से ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई सर। कभी ना कभी तो होगी, कभी तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आंखों से भारत दुश्मनी की पट्टी उतार कर सच्चाई को देखेगी। तब तक न जाने कितने प्लेन हाईजैक हो चुके होंगे, कितने हमले पार्लियामेंट और अक्षरधाम पर हो चुके होंगे, कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है सर। अरे राम राम राम, क्या भाषण दिया है, वाह! तुम्हें फौज में नहीं हमारी पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन तुम फौजी हो ना, राजनीति के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब देखो, हम जाएंगे डेलीगेशन में और आतंकवादियों को ऐसे शीशे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर। ये लो। कर्नल, मुझे लगता है तुम्हारे जहन में कोई प्लान है। यस सर। क्या प्लान है? डिफेंस का प्लान सिविलियंस के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज अस। प्लीज मगन भाई,
हाँ बोलो। मुझे 15 कमांडोज चाहिए सर। फिर हम वही करेंगे जो इसराइल ने एनटीपी पे किया था। इंडियन एयरवेज का विमान जो आतंकवादियों ने बाबा जहीर को आजाद कराने की मांग को लेकर अगवा किया है, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारत की ओर से 4 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। रुक जी, लाइए। कोई जरूरत नहीं उसे पानी देने की, चल। वो प्रेग्नेंट है और उसे पानी की जरूरत है। हट। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, हम भी तुम लोगों की कोई बात नहीं मानेंगे। बहादुर हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद अपने बल पे लड़ो। औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर क्यों लड़ रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो बुजदिलों का काम है। बहादुर हो तो जंग में लड़ो। बेगुनाहों को सताने और मारने का नाम जिहाद नहीं है। कैप्टन, जबान रोक अपने स्टाफ की, वरना भरी जवानी में जान से जाएगी साली। ठीक ही तो बोल रही है वो। तू मुसलमान होकर ऐसी बातें बोलता है? एक सच्चा मुसलमान हूं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं, मगर तुम लोग कतई सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम के तहत पानी पिलाना सबसे बड़े सवाब का काम है। मैदान एक करबला याद है, और इस्लाम ही के तहत औरतों और मजलूमों पर हाथ उठाना सबसे बड़ी लानत। जनाब इस सकीना का मासूम चेहरा याद है? अरे तुम तो इस्लाम को दी गई एक गाली हो, तुम तो इस्लाम पर लगे हुए एक धब्बे हो। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये आतंक, ये इस्लाम नहीं सिखाता। बिकॉज टेररिज्म इज एंटी इस्लाम, डू यू अंडरस्टैंड? साले, मुझे इस्लाम सिखाता है, मुझे। ये क्या किया तुमने? अब किसी को मारने की जरूरत नहीं है। भारतीय हुकूमत ने हमारी शर्तें मान ली है। कल सुबह उनका डेलीगेशन आ रहा है हमसे बात करने, बाकी सब बाद में। लाश को यहां से निकाल दो। हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। Let's go.
पुरी हियर। अभी इन्होंने डिसाइड किया कि जिस हेलीकॉप्टर से बाबा जहीर को लाया जाएगा उसी में इंडियन आर्मी के 15 कमांडोज भी छुपे रहेंगे, जो मौका देखकर आप लोगों पर हमला करेंगे। आप लोग सतर्क रहिए। और एक बात, या दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। पूरी मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोस अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें यह इंफॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मर जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोस कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। याद है मैंने क्या कहा था? ये खेल का मैदान नहीं, this is a bloody battlefield. याद है सर, लेकिन आपने ये भी कहा था कि जिंदगी में मौका मिले तो ये जरूर साबित कर लेना कि तुम कायर नहीं हो। आज वो मौका मुझे मिला है सर, प्लीज ये मौका मुझसे मत छीनिए। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस, एसीपी जयदीप। कोई खास वजह? आप मुझ पर भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है। इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। पैड चेंज। चलो सर। होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, मां के लिए। ये मिट्टी मेरी मां है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। वर्दी के सल्यूट नहीं करते ऑफिसर।
तक आ चुकी है। यहाँ से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेस वालों की जाने की मनाही है। अर्शद खान, पीटीवी। अंकल से कहो कि जिस देश में आप जैसे लोग हो, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहां तक आ जाए, उस देश की बेटी, बहन, बीवी कोई कभी नहीं डर सकती। भरोसा रखो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अंकल को बोलो हमें उन पर पूरा भरोसा है। स्वीट, लव यू। टेल हिम आई लव यू टू। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेहद अफसोस है कि आप लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको हर्जाना मिले और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो आया हूं, बहुत जल्द आप लोगों को यहां से ले जाऊंगा। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी बीमार बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें छोड़ दें।
ये नहीं हो सकता। ये इस बात की जमानत है कि हमारी सभी शर्तें मान ली जाए। अगर आपको जमानत ही चाहिए तो फिर हमारे मंत्री जी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हम यहां बात करने आए हैं, इनकी कैद में रहने के लिए नहीं आए। मंत्री जी, बहादुरी दिखाने का और जनता के दिल में बसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपकी जीत पक्की होगी। अगर वो मार दे तो? ठीक है, बाबा जहीर की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जी ने अपने आप को उनके हवाले करके कुछ पैसेंजर्स छुड़ाए। मैं चाहूंगा कि आप पैसेंजर्स को और उन डेड बॉडीज को वापस हिंदुस्तान भेज दें। ठीक है। जब तक बाबा साहिब रिहा नहीं होते तब तक आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। उनकी गलती यह है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। वी वर हेल्ड बाय इंडियंस टू हाईजैक द प्लेन। 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुसाएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। जहीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं।
कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो, अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया, अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। दो कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक माफे। तकनीकी खराबी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अभी आपने देखा, बाबा जहीर को सही सलामत बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है। एक पुलिस वाले को इतना अहम काम कैसे दे दिया? उसे अमन का शफीर बनाकर भेज दिया। हरामखोर, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना? कैमरा, खुदा कसम, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ये एक जासूस है। हमारी पोजीशंस और तैयारी की सारी खबर दुश्मन तक पहुंच चुकी है। काट के फेंक दो साले जलील को। इनका मंसूबा क्या है, पहले ये मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। सत्य सैर जयते। टाइगर कॉलिंग ब्रावो। ब्रावो, मूव फॉरवर्ड। हेलो जुबेदा, हमारे ऊपर काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकतें भी हो रही हैं। हेलो नूर, काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। टाइगर कॉलिंग, टाइगर कॉलिंग ब्रावो। हम शालीमार के नजदीक हैं और दुश्मन
टारगेट 200 मीटर पर है। हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। बोल बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल, मारना बंद करोगे तो बताऊंगा ना। बोल, इंडियन रेस्क्यू टीम कारादर से आएगी। कम बैक पर सर। कम बैक, ओवर एंड आउट। मूव बैक, कम ऑन फास्ट, मूव बैक। झूठ बोल रहा है ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है। बोल बोल, रुको, ये सही कह रहा है। भारतीय फौज ने काराधार की ओर से हमला बोल दिया है। पहले प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा। शायद तू ये भूल गया, ये तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुत्तों को मारने की परमिशन है। Thank you.
तूने ही कहा था ना तेरी जमीन पर कुत्तों को मारने की परमिशन है।